हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश मसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज के मार्केट पे हम लोगों ने देखा कि हमारा लो आज ब्रेक नहीं हुआ था प्रीवियस डे का एंड मार्केट पूरे टाइम साइडवेज ही वर्क कर रही थी। किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आज रात को FOMC की मीटिंग है फेड की और शायद इंटरेस्ट रेट्स दोबारा बढ़ सकते हैं। यस, इट्स 100% श्योर कि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ेंगे। देखना यह है कि 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हैं या 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे तीन सिनेरियो हम लोग लेकर चल रहे हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी मैं डाउ जोन्स आपको दिखाऊंगा। तो डाउ जोन्स लगभग 4 दिन से बहुत तेजी से फॉल कर रहा था और अभी हम लोग देखें तो डाउ जोन्स 350 पॉइंट्स ऊपर है। अब आज FOMC की मीटिंग है और डाउ जोन्स ऊपर है और ज़्यादातर लोगों को यह सबको पता है कि FOMC मीटिंग में हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ते हुए देखेंगे। अब यहाँ पर तीन सिनेरियो है, या तो 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे या 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे या 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। अगर 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। अगर 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है तो भी हम लोग एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है तो मार्केट ऊपर जाके नीचे एक सेल ऑफ दोबारा दिखा सकती है। ठीक है, तो तीन सिनेरियो हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट्स की प्रिपरेशन मार्केट ने ऑलरेडी कर रखी है। वो 4 दिन का जो फॉल आ रखा है वो उसी फियर का था कि 14 या 15 जून को जो मीटिंग का आउटकम आएगा वो मीटिंग के आउटकम पे ही हम लोग मान के चल रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। सो अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी, बट एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट अगर 50 बेसिस पॉइंट्स और 25 बेसिस पॉइंट्स आता है तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकती है और वो हमारी मार्केट को भी हेल्प ज़रूर कर सकती है। तो अब करना क्या, डिसीजंस कैसे बनाने हैं, तो एक बार चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और देखते हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या अगला है और कल एक्सपायरी भी है वीकली, तो किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। सो ऑलरेडी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। तो मैंने अभी 30 मिनट्स का बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल रहा था, बट मार्केट क्लोज हो गई थी तो हम लोगों ने इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक 30 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थी जो कि हम लोगों को 10th of June को देखने को मिल रही थी। इस पर हम लोगों ने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा था 50% पे। आप देख सकते हैं अभी 14th of June को, कल की बात है, एग्जैक्टली उसी लेवल को टेस्ट करा और वहीं से एक हम लोगों ने फॉल देखा। सो दैट मीन्स कि ये जो पूरी बिग कैंडल बनी थी उसका जो मिड पॉइंट है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन भी सेम सिनेरियो हुआ कि यहाँ पर इसने एक इन्वर्टेड डोजी क्रिएट करी, ठीक है, एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे। हमारा यही था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है नेक्स्ट कैंडल की तो हम क्लियर शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल भी इंडिसाइसिव बनी, अगली कैंडल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल बनी बट अपने प्रीवियस इस हाई के ऊपर ब्रेक नहीं करी, विच इज नॉट एनी साइन। बट ये वाली कैंडल ने जैसे अपने प्रीवियस 3 कैंडल्स को ब्रेक करें, यहाँ पर हम लोगों ने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था। हमारा फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका था, सेकंड टारगेट ये था एंड थर्ड टारगेट ये था जो कि अचीव नहीं हुआ, बट हम लोगों ने पोजीशन को एग्जिट कर लिया। ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स हमें ऑप्शंस पे मिल गए थे बट हम लोगों ने एग्जिट कर लिया बिकॉज ऑफ द FOMC मीटिंग। जो भी आउटकम आना था उस पर हम लोग एक बेट लेकर नहीं चल सकते थे, एक प्रोबेबिलिटी वहाँ पर सेट नहीं बैठ रही थी कि सेल साइड पर जाए या बाई साइड पर जाए, ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जिट मार लिया था। अब यहाँ पर 2-3 सिनेरियो हैं, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि मार्केट फॉल करी, ऊपर गई, नीचे आई, अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक नहीं करी, अगेन ऊपर गई बट अपने हाईस को ब्रेक नहीं करी, बट लो को भी अभी तक ब्रेक नहीं करी है। सो यहाँ पर दो करेक्टरिस्टिक्स में से एक करेक्टरिस्टिक अच्छी फुलफिल हो रही है, दैट इज़ कि एक हायर लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास एक सबसे बढ़िया जो कल स्ट्रॉन्ग का लेवल होगा दैट शुड बी दिस लेवल। अगर कल इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो मार्केट डेफिनेटली और ज़्यादा फॉल कर सकती है, सिंपल एंड क्लियर साइंस है। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, चलो यहाँ पर भी सपोर्ट ले लेती है तो भी हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बाय करने का, ठीक है। सो मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि अगर 75 बेसिस पॉइंट्स नहीं बढ़ती, इंटरेस्ट रेट नहीं आता, 50 आता है, सो डेफिनेटली कल अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, स्लाइटली अप ट्रेंड खुलती है, वी हैव टू वेट फॉर जस्ट 30 मिनट्स, क्योंकि अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट होगा, जस्ट टू ट्रैप यू कि एक दोबारा सेलिंग प्रेशर आएगा, बट वो सेलिंग प्रेशर नहीं ज़्यादा टाइम रिज्यूम करेगा और वहाँ पर हम लोग एक अपसाइड या रिवर्सल देख सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मार्केट साइडवेज कल खुलती है तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है, अगर 25 और 50 बेसिस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ही बाय साइड है, अदरवाइज 75 बेसिस पे हमें रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है, सिंपल एंड क्लियर साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट, दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली मिड पे काम कर रहा है।
आइदर साइड जो भी इंटरेस्ट रेट का आउटकम आएगा, मीटिंग का आउटकम आएगा, उस बेसिस पे हम लोग अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। एक बार मैं अगर आप लोगों को शो करूं इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का डाटा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज कॉल चेंज नेगेटिव 4.1 मिलियन है एंड पुट 1.4 मिलियन है। सो दैट इज कि पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव है। 33,500 पे जो भी कॉल राइटर्स थे वो एग्जिट कर चुके, अनवाइंड कर चुके, और आगे जाके कहीं पर भी ज़्यादा हैवी कॉल राइटर्स पोजीशंस नहीं है। सो फ्रॉम माय साइड, अगर कल मार्केट शॉर्ट कवरिंग के थ्रू ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व जरूर करना है। इसके अलावा अगर हम लोग चेक करें निफ्टी को, ओके, सो निफ्टी के अंदर हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। कल हम लोगों ने जो बात करी थी एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। जब तक इस रेंज के अंदर है हम लोगों को कोई भी ट्रेड निफ्टी के अंदर नहीं लेना है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं पूरे टाइम रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करते रहा एंड कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स हमें निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिली है। सो निफ्टी के लिए इग्नोर है एंड आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि निफ्टी को छोड़ के हम बैंक निफ्टी में अगर बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बैंक निफ्टी में बाय साइड की लेंगे। निफ्टी पे हम लोग शॉर्ट के ले सकते हैं अगर 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है तो सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी निफ्टी के अंदर अच्छा मिल सकता है और बैंक निफ्टी के अंदर बाय साइड का अच्छा मिल सकता है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से देख कर चलना, ठीक है। अगर 25 बेसिस आता है तो बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा ही ऊपर जाएगा और बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आप नज़र रख के चल सकते हो। 105 का मैं टारगेट रख के चल रहा हूँ अगर हमें बैंक निफ्टी में अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। सो बेसिकली डाटा यही है, इसके अंदर भी हम लोगों को निफ्टी पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने रेंज बता रखी है, उसके नीचे शॉर्ट है, उसके ऊपर हमें लॉन्ग जाना है। अगर बात करूं मैं स्टॉक्स की तो बेसिकली आज हम दो ही स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है, मार्केट को एक सपोर्ट लेवल पे या एक अच्छी मूव देने दो तब हम अपने स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो आज दो ही स्टॉक्स हैं एंड आप इसे चेकआउट कर सकते हो, वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हो। सबसे पहला है, हम यहाँ चेक कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प ने एक अच्छा खासा इंपल्स मूव दिया था एंड ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर से ये इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जिसका एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट और अभी इसी लेवल पे ये पॉज ले रहा है दो हफ्तों से। सो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका 2605 रुपीज़ चल रहा है एंड हमें इसे बाय करना है अबव 2620 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है। ये स्टॉक पर्टिकुलर हमने आज भी लिया था 2617 के आसपास एंड 267 पे हम लोग एग्जिट कर गए थे, बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज थी एंड क्योंकि मार्केट क्लोज हो रही थी और इस पर हमें कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा था। सो हम इसे कल दोबारा री एंटर करेंगे अगर ये हमारे मेजर लेवल्स को ब्रेक करता है, जो हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं दैट इज 2750 रुपीज का। एक स्टॉक और है जो आप चेक कर सकते हैं एंड जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं एंड यही दो स्टॉक्स हैं जो मैं आज आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ। आप चेक कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी इंपल्स मूव दी थी जुबिलेंट फूड वर्क ने, इट क्रिएटेड अ डबल टॉप एंड इट फेल डाउन विद अ लेवल ऑफ विद अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इट काइंड ऑफ क्रिएटेड एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है सो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी नीड अ क्लोजिंग अबव 530 विद अ 15 मिनट्स कैंडल क्लोज अबव 530। हमारा जो पहला टारगेट होगा दैट शुड बी 545 एंड नेक्स्ट टारगेट शुड बी 565। अब ये हमें नहीं रखना है कि ये कल ही पूरे के पूरे टारगेट्स आ सकते हैं, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और हमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं चलना। वी हैव टू जस्ट वेट इंट्राडे के अंदर, जितनी पोजीशंस बना सकते हो, जितनी फास्ट एग्जिट कर सकते हो उतने ट्रेड्स आप ले लो, बट कैरी फॉरवर्ड अगर हम लोग श्योर नहीं है कोई भी स्टॉक या कोई भी मार्केट से रिलेटेड तब तक हमें कोई भी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। यही दो स्टॉक्स थे, मार्केट के एनालिसिस आए, होप आपको पसंद आ गई होगी। तो याद रखिएगा जो भी बेसिस पॉइंट आएगा उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कर सकती है। आपको सारे तरीके बता दिए कहाँ पर बाय सेल और कहाँ पर साइडवेज होने वाला है, सो मेक श्योर आप सारी चीज़ों को रिमेंबर रखें। सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बिकॉज वहाँ पर हम बहुत नॉलेजेबल कंटेंट डाल रहे हैं। वहाँ पर मैं लाइव आना भी स्टार्ट करूँगा रात को, जिस पर मैं आप लोगों को और भी चीज़ें डिटेल्स दूंगा जो भी मार्केट के सिनेरियो के अंदर चल रही होंगी एंड कुछ स्टॉक्स भी रिकमेंडेशंस आपको वहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, बिकॉज वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देना दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ एंड बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड मेक श्योर टू डाउनलोड आर ऐप अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए। आई नो कोविड के टाइम्स में बहुत सारे लोग एंटर कर रहे थे अपने लोअर लेवल्स पे और मार्केट ने बहुत हाईज दिखाए हैं, बट ये जो मार्केट के अंदर करेक्शन आ रहा है, ये जो मार्केट के अंदर इनडिसाइसिव मूव्स हैं, वॉलेटिलिटी है, ये अभी तक आप लोगों ने हैंडल नहीं करी है। और आप लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर हमने अपनी कैपिटल इस छोटी सी फॉल के अंदर लूज कर ली है पूरी ये पूरी। सो प्रीमियम कंटेंट के अंदर आपको बहुत कुछ मिल सकता है, तो मेक श्योर टू डाउनलोड आवर ऐप एंड टेक आवर प्रीमियम कंटेंट। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।